नमस्कार दोस्तों, मोहित कश्यप सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। और आज का रेस्क्यू कॉल है हमारा, जो कि कुशीनगर जिला के अंतर्गत पड़ता है और ये ग्राम सभा झंगा के पास पोखरभिंडा पड़ता है। यहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिनों से एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हिंदी में नाग बोला जाता है, वो काफ़ी दिनों से परेशान करके रखा हुआ है। और गाँव है, काफ़ी ज़्यादा लोग भयभीत हैं। और आइए चले इसे देखते हैं कौन सा सांप है और कहाँ छुपा है, तो उसको निकालते हैं और आप लोग के सामने लाते हैं और इसे इसे अनुकूलित वातावरण में रिलीव करेंगे आराम से। आप तब तक हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो दोस्तों, अभी स्नेक दिखा हुआ था, उसका थोड़ा सा मुंडी दिखा हुआ था, मुंह दिखा हुआ था, बट अभी फिर से वो गायब हो गया है। तो लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देखिए आगे देखते रहिए, मिलेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो स्टे ट्यून दिस वीडियो और देखिए कितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। केचुल इसका है, केचुल इसीलिए ऐसे कर रहा था। काफी ज्यादा अभी स्किन ताजा ताजा, केचुल छोड़ा है सांप अपना अभी को, छोड़ा इसीलिए भाग नहीं रहा था। गेहूं है, तो दोस्तों सांप यहीं दिखा था, अभी अंदर चला गया इधर बिल में, तो आगे देखते रहिए। चलिए टार्च जलाइए। सो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए ये एक स्पेक्टिकल कोबरा यानी नागिन का अंडा यहाँ पे कितने सारे हैं, फिनोमिनल अमाउंट ऑफ एग देयर। एंड हम लोग बहुत हल्के हल्के तरीके से अंडे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए मत आप लोग कोई भी, दोस्तों देखिए आप लोग जमीन के अंदर, दीवार के अंदर कितना खतरनाक तरीके से देख रहे हैं आप लोग। हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं और ये देखिए, ओ माय गॉड। हाथ से उठा लीजिए, हाथ से उठा लीजिए, बचा के एकदम। ये देखिए, ये एक फीमेल कोबरा का अंडा है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और ये हो सकता है कम से कम 40 पीस तो होना चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा, अगर यहाँ इस अंडे से बच्चे निकल जाते तो हो सकता है आसपास वाले लोग का जीना हराम हो जाता। और अभी फीमेल भी अंदर है तो उसको भी फटाफट बाहर निकालते हैं। बड़ी मुश्किल से अंडे निकाले हैं और उसको भी निकालते हैं दोस्तों। तब तक आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक और अंडा, और यहाँ पे मुझे लगता है अंडे से बच्चे निकल भी गए हैं। नहीं नहीं निकले, नहीं निकले हैं। अंडा सेफ है, अंडा सेफ है और वहीं से बच्चे निकलने वाले हैं, क्योंकि समय हो चुका है, काफी ज्यादा ये पीला पड़ चुका है। और लगभग करीब करीब 25 अंडे हैं, तो इसको भी हम लोग बाहर निकालते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तब तक हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। हम लोग एक एक करके सारे अंडों को बाहर निकालेंगे दोस्तों। वहीं पे सांप भी है, बचा के देखिएगा। मिल सकती है हमको, वहीं पे है वो, मिल नहीं सकती, वहीं पे हम देखे हैं। लाइट दिखाओ छोटू, क्या कर रहे हो? बच्चे निकल गए उसमें से, बट्टे निकल चुके हैं भाई, हल्ला मत करिए सर। हेलो, देखिएगा वहाँ पे सांप है, 100% मैं कह रहा हूँ, देखा हूँ मैं। दिखाओ छोटू टॉर्च, दिखाओ दोनों टॉर्च, दिखाओ, निकल गए हैं। इन लोगों में से बच्चे निकल चुके हैं और ये सारे अंडे खोखले हैं, आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी अंडा खोखला हो चुका है।
और भी आपको दिखाते हैं। इसमें से भी देखिए बच्चे निकल चुके हैं, सारे अंडे फूट चुके हैं। ये देखिए गाइस, अंडों में से बच्चे पूरी तरीके से निकल चुके हैं, सारा अंडा खाली है। और बेबी कोबरा निकलने के बाद देखना उधर नहीं, नहीं एक साइड में रखिए सब न, और भी है, और भी है। सात अंडे हैं टोटल आज अभी, जिसमें से बच्चे निकल चुके हैं। और ये हो सकता है काफी ज्यादा अब यहाँ बच्चे हो जाएंगे और लोग भी, आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि सात बच्चे निकले हुए हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अंडे जितने वो निकाल लीजिए, इसको थोड़ा इधर आइएगा। टोटल सात अंडे है गाइस, देखिए इन लोगों में से बिल्कुल भी अंडा खाली है, बच्चे निकल चुके हैं। और देखते हैं फीमेल कोबरा को ढूंढते हैं, काफी समय से रेस्क्यू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा देखिए खुदाई कर चुके हैं, थक चुके हैं, आज भीग गए हैं पूरी तरीके से। ये आज गर्मी ज्यादा है, बहुत पसीने से हालत हमारा खराब हो गया। सो गाइस 40 अंडा एक बार निकाल दिया, सात अंडा एक बार निकाल दिया और अभी ये लोग देख रहे हैं सांप इसके अंदर ही चला जा रहा है, तो ये सर्च कर रहे हैं और अभी पता चला कि और भी अंडे हैं। दोस्तों जो मैंने अभी जिस जगह से मैंने खुदाई की है सांपों के लिए, वहाँ ऑलरेडी हमें 40 अंडे एक जगह और 8 अंडे एक जगह और अभी फिर अंडा दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा अंडा है और सांप अभी बार बार दिखाई दे रहा है, बट वो हमारे बहुत से दूर हो जा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया है यहाँ, इतना ज़्यादा भील है कि वो इधर उधर भाग रहा है, हम लोग को अभी तक पकड़ में नहीं आया। लेकिन आप लोग को अंडे फिर से दिखाते हैं, आइए जूम करके अच्छे से फिर अंडे से बोलो। ये देखो गाइस फिर से अंडे हमें दिखाई दे रहे हैं और ये लग रहा है कि इसमें फिर से बेबी निकल चुके हैं, इसमें से बेबी कोबरा बाहर आ चुका है क्योंकि ये अंडे पीले पड़ चुके हैं। इसको निकालते हैं, टॉर्च पकड़ो, चलिए अब बोलिए। ये देखो गाइस हम आराम आराम से एक एक करके अंडे को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे सांप हो भी सकता है, यहाँ हो सकता है। अरे बाप रे बाप, और भी है, एक एक गुच्छा ये है, उसके अलावा एक गुच्छा और भी है नीचे वाले में, पहले इसको निकाल लीजिए, देखिएगा सांप भी हो, बचा के। इसमें से भी बेबी कोबरा सारे बाहर आ चुके हैं, ये खाली अंडे 4, 3, 7 दोनों है। रुकिए अभी और है 10, वहाँ ज़्यादा है, देखिए सब यहीं कनेक्ट किया, इधर ही होगा सब, पक्का कर रहे हैं भैया। वहाँ पे और है एक, नीचे खोदिए थोड़ा, हाँ आराम से आराम से निकालिए, हाथ से निकालिए, बचा के निकालिएगा। अब मिल जाएगा सांप, मिल जाएगा, अरे एकदम पक्का मिल जाएगा, चलो बचा के। ये देखिए फिर से अंडे हमें मिले हैं जो 13 पीस हैं, यानी कि इसमें से बच्चे बाहर आ चुके हैं और 13 अभी फिर मिले हैं, 40 पहले मिले थे, 9 पहले बाद में मिले थे और ये 13 अभी फिर मिले हैं। तो आप लोग इसमें से देखिए पूरा अंडा खाली है, इसमें बिल्कुल भी बच्चे नहीं है, निकल चुके हैं। अब बताइए लोगों को यहाँ रहना हराम हो जाएगा क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा तादाद में अंडे मिल रहे हैं और यहाँ के अंडों में से सारे बच्चे निकल भी चुके हैं, तो हो सकता है आसपास लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। और अभी फीमेल बच्ची है, उसको चलो देखते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों को सांप दिख चुका है और एकदम अंत में जा कर के ज़मीन के अंदर बिल्कुल अपना घर बनाया हुआ था और वहीं पे हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और हमारी मेहनत फाइनली सफल हो गई और हम लोग को सांप दिख गया। तो देखते रहिए आप लोग कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। पकड़ लो बस, आ जाओ पकड़ लेना, बचा के, रुको रुको रुको, बचा के रुक जाओ भाई, रुक जाओ, वीडियो चल रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने स्नैक को रेस्क्यू कर लिया है आफ्टर 2-3 आवर्स लेटर। ले आइए इधर, लेके आइए बचा के, रुक के स्लो। एक नहीं है, दो है उसमें। सो गाइस अभी हट जाओ यार, जैसा कि अंकल का कहना है कि दो सांप है, अभी एक हम लोगों ने पकड़ लिया है, एक और पकड़ रहे हैं। स्टिक लेके आ जाओ,
सो गाइस ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो रुक जाओ भाई, अरे वीडियो बना दीजिए। बचा के पकड़ लो। सो गाइस देखिए, फाइनली हम लोगों ने स्नेक को रेस्क्यू कर लिया है। ये अभी भी ताज़ा स्किन छोड़ा हुआ है, इसलिए ये काफ़ी चमकदार और बहुत स्लिप कर रहा है। मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद गाइस हम लोगों सफलता हासिल हुई। हम लोगों ने रेस्क्यू के दौरान टोटल 61 अंडे और एक फीमेल कोबरा हम लोगों ने पकड़े, और अभी हो सकता है मेल भी है तो उसको भी चलो गाइस ढूंढते हैं और ढूंढ के उसको भी बाहर निकालते हैं। पहले इसको पैक कर लीजिए। अरे भैया तू मत कुछ करो। भाई अब एक काम करते हैं, पैक कर लेते हैं। हेलो, पैक कर लेते हैं इसको, शांत करके रखो, पकड़ के अंदर घुस जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सेफ्टी के साथ। ओए इधर सड़ जाओ। तो गाइस इसको हमने बोतल में कर दिया है पैक, और इसको खुली वातावरण में ले आ करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीव करेंगे ताकि अच्छे से वहाँ सर्वाइव कर सके। एक सेकंड। तो दोस्तों ये सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है, आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई ना करें क्योंकि आपके साथ खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चेक करने के लिए कुछ मंगाइए। सो गाइस इसको ऑक्सीजन लेने के लिए होल कर देते हैं डिब्बे के अंदर ताकि ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले सके। गाइस अभी मैं आप लोगों ने देखा कि मैंने फीमेल को, एक फीमेल को मैंने पकड़ लिया है, और लोगों का कहना है एक और है, तो आइए उसको ढूंढते हैं। अगर मिल जाता है तो आप लोगों के सामने जरूर लाएंगे, और नहीं मिलता है तो नमस्ते। ये साइड में देखना कहीं होगा। हाँ खोदते रहो। तो गाइस फाइनली हमने पूरे अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, अब कोई और सांप अंदर नहीं, एक ही थी फीमेल कोबरा जिसको अभी हमने पकड़ा है, और उसने टोटल 61 अंडे दिए हैं। 3 बार में टोटल हमने पकड़ा है अंडे को, एक बार हमें 40 अंडे मिले, और एक बार मुझे 13 अंडे मिले, एक बार मुझे 7 अंडे मिले। और आइए, और उसका स्किन वो काफ़ी ताज़ा स्किन छोड़ी हुई है, तो रहने तो वो ताज़ा स्किन छोड़ी हुई, स्किन को भी हम दिखाते हैं और अंडों को भी दिखाते हैं, और अंडा और स्किन उनके अनुकूलित वातावरण में उसको रिलीव करेंगे ताकि वो अपने अंडों का देख रेख करें और सेफली रहें। तो आइए आप लोग को अंडा दिखाते हैं हम। ये अंडा अभी फर्स्ट बार में पकड़ा गया है, अंडा मिला है। सेकेंड वाले में 7 अंडे हमको मिले हैं, और थर्ड वाले में हमें 13 अंडे टोटल मिले हैं। और फर्स्ट में ये देखिए कम से कम 4.5 फीट का, ये टूट गई है, कम से कम 4.5 फीट का फीमेल कोबरा का स्किन है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही उसको पकड़ा था। खुदाई के दौरान ही हमें ये ताज़ा स्किन मिला। मुझे डाउट है कि जैसे ही खुदाई चालू हो गई थी वैसे ही वो अपना स्किन को छोड़ा है। और प्लीज जूम कर रहा हूँ मैं, ये अंडे को देखिए, ये फीमेल कोबरा का अंडा है जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, और इसमें बच्चे हैं अभी ऑलरेडी। हाँ इसमें ऑलरेडी बच्चे हैं, और इस इन सब में नहीं है, खाली हो चुके हैं अंडे, इसमें बिल्कुल भी बच्चे नहीं है, बच्चे निकल चुके हैं। और प्लीज गाइस अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को मोहित कश्यप सर्प मित्र के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मतलब आगे बढ़ाने में प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और दोस्तों हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया, एयर मोटो करके यूट्यूब चैनल है उनका, तो प्लीज़ उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, और वीडियो में हमेशा मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार। सो गाइस हमारे चैनल का नाम है AR मोटो ब्लॉग, और आप इसको सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गाइस हमारे चैनल पे आपको ब्लॉगिंग वीडियो मिलते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए ये चैनल का नाम है AR मोटो ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। गेमिंग जोन MT स्टार को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।